मेरा नाम शेख ताहिर है, मैं खादरीबाग अंबरपेट का साकिन हूँ। आप जैसे तमाम हजरात जैसे जानते हैं, आने वाले दिनों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ग्रेजुएट्स रंगारेड्डी महबूबनगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के इंतखाब होने वाले हैं। मैं तमाम उन पढ़े लिखे ग्रेजुएट से अपील करता हूँ कि आपका एनरोलमेंट या GHMC सर्कल 6 एबिट्स में करवाए या मी सेवा में कराए या AP ऑनलाइन में कराए। आज के मौजूदा हालात देखते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेरोज़गारी, हर पढ़ा लिखा जो है वो रोड पे नज़र आता है, उनको कुछ रोज़गारी का ज़रिया नहीं है। मैं तमाम उन पढ़े लिखे नौजवान तबके से जो 2017 या उससे पहले और डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, उन लोगों से अपील करता हूँ कि अपना अपना एनरोलमेंट कराए और अपना मजबूती का सबूत दे। और जैसा कि आज की रियासत तेलंगाना में जो हमारे वज़ीर आला जनाब कन्वर कुंतला चंद्रशेखर राव सर जो वादा किए थे कि चार महीने के अंदर मैं मुसलमान तबके को 12% रिजर्वेशन देता हूँ, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं आया। और जो हमारे जुडिशियल वक्फ के लैंड है, वो भी जुडिशियल पावर हमारे वक्फ बोर्ड को नहीं दिए। और जो डबल बेडरूम अलाट कर दो मुल के बोले, 10 साल के करीब करीब होने आ गए, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैं तमाम उन लोगों से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो वो वोटिंग का इरादा कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो आने वाले दिनों में तुम्हारे और तुम्हारे तमाम जो भी रिलीजन है उनके लिए काम करें। मैं तमाम फिर आप लोगों से अपील करता हूँ, आप ये इलेक्शन MLC इलेक्शन में आप भी ठहरे क्या? मैं ठहरने का कंटेस्ट करने का इरादा क्या, मैं आज के मौजूदा हालात देखते हुए मैं एक बहुत शरीफ घराने से बिलोंग करता हूँ, मैं आज के जो हालात देखता हूँ पब्लिक के, मुझसे देखा नहीं जाके मेरे भी एक हिम्मत अफजाई करके, हौसला बुलंद करके मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया। मैं तमाम उन ग्रेजुएट्स जो MLC में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो मेरे को साथ लेके मेरे को बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब बनाएं।